नमस्कार दोस्तों, के न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश कुमार, के न्यूज हरियाणा। साथियों, जैसा कि हम आपको देश की हर खबर से अवगत कराते हैं, आज हम गुड़गांव में पहुंचे। गुड़गांव के राजीव चौक पे किसान आंदोलन में पहुंचे हुए। तो यहाँ अभी आपने देखा होगा बहुत सारा, अभी हमारे साथ एक बाइक भी जो जनसंपर्क बैठा है, जनसेवा बैठा है। यहाँ पर जनसेवा के साथ साथ यहाँ पर महिलाएं भी हैं, तो मैं अपने बीच में एक महिला शक्ति है, उनसे जानना चाहूँगा। आप अपना व्यंजन अपना परिचय देंगे, आप अपना नाम बताओ। मैडम बोलो, नाम बताओ, जैसे भी आप बताइए। जी, आप किस संगठन से बिलोंग करती हैं? नहीं, किसान संगठन से। मैं किसान की बेटी हूँ। किसान किसान आप क्या कहना चाहोगे किसान के लिए? क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे, जो हमारे सभी भाई बहन हम बैठे हैं, तो जो भी ये लागू किया है एमएसपी, ये अपनी वापस ले। हम बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं सब, तो हम आप अपने घर चले जाएं अगर मोदी जी हमारी सुन लेंगे। देखिए, बहन जी ने बोला कि अगर मोदी जी हमारी बात को मान लेते हैं या सुन लेते हैं तो हम अपने घर चले जाएंगे। बीपीए न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं भी मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो जनता की सुने। हमारे साथ में एक और साथी बैठे हैं, उनसे जानना चाहिए। शुभ नाम कमांडेंट सत्यवीर सिंह रोचक। कमांडेंट साहब, आप फौज से रिटायर्ड है ना? पैरामिलिट्री से आप रिटायर्ड हैं, तो आपने देश की सेवा बहुत रूप में करी। अब आप किसान के बेटे हैं, किसान के रूप में जो आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, अपने घमंड को छोड़ के और किसानों की बात मान के और उनकी मांगों को मान लें, यही मेरी अनुरोध है। देखिए, एक रिटायर्ड पैरामिलिट्री किसान ने रिक्वेस्ट करी है मोदी जी से कि आप किसानों की बातों को मान लें। बढ़ते कलम सच्चाई के कलम देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।